और यहाँ देखो भाई साहब, ये ताश के पत्तों का कितना अच्छा घर बनाया है फिलहाल, मतलब 1 2 3, मतलब आज मच्छी उच्छी पकड़ के लेके आया था भाई साहब ये। अच्छा तेल वेल लेके उसका होता हूँ, मालिश होने जा रहा है। वाह। सो भाई साहब, अभी मैं स्टूडियो पहुँच चुका हूँ और फिलहाल चलो स्टूडियो के अंदर भी चलते हैं। सो फिलहाल ऐसा कुछ सेटअप रखा हुआ। सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द आवर चैनल मोहम्मद इरफान ब्लॉग्स। तो भाई साहब, अभी सुबह के बज रहे हैं फिलहाल 8:30 और अभी हमने नाश्ता सा करके जो है भाई ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सो अभी भाई साहब थोड़ी तबीयत मेरी ठीक हुई है, तो जैसा कि मैंने कल बोला था कि अगर तबीयत मेरी थोड़ी भी ठीक रहेगी तो मैं स्टूडियो पर जाऊँगा। तो आज इंशाल्लाह अभी हम चलेंगे स्टूडियो पर और देखते हैं फिलहाल वहाँ पर सीन क्या होता है और अपना जो डमी वगैरह है वो देखे आएंगे और इसे बोल के आएंगे भाई साहब कि जल्दी आप म्यूज़िक को बनाओ और फिर हम उसको रिलीज़ करेंगे। तो चलो फटाफट देखते हैं सीन क्या होता है। तो जो भाई साहब इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किए हैं फटाफट फॉलो करो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ पे फॉलो कर लो और चलो फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देखो भाई साहब, ये लोग सुबह से एक चीज़ खेल रहे हैं यहाँ पे, देखो घर वर बना रहा है। ताश के पत्तों का कितना बढ़िया घर बनाया है, काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है और बैलेंस काफ़ी अच्छा किया भाई। 1 2 3 4, मतलब ये 4 महले का ये हो गया और 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 महले का वो हो गया। और भाई साहब सारा कलाकारी जो किया है वो इसने किया है। वाह, बहुत सही, ट्रेंड हो गया है ये। और अभी तक तूने ये चेंज नहीं किया ना? नहीं, इंग्लिश से बात करेंगे ना। तो चेंज कर ले उसको, अपना खुद पहन ले कुछ। अभी पहनूंगा चड्डी। दादी नाश्ता हो गया? चलो बढ़िया। दवा खा ली कि नहीं? चलो बढ़िया है। क्या करिया तू? तो अभी चाय पीने जा रहा है? चाय नहीं पिया था अभी तक? अभी ये चाय नहीं पिया था? अरे वो सारा दिन ना पिया मैं कम। चलो भाई साहब निकलते हैं अभी स्टूडियो के लिए। ये भाई जा रहे हैं वहीं पे तो मुझे वहाँ पे छोड़ देंगे। चलो भैया। तो भाई साहब, अभी मैं स्टूडियो पहुंच चुका हूं और फिलहाल चलो स्टूडियो के अंदर भी चलते हैं। सो फिलहाल ऐसा कुछ सेटअप रखा हुआ है और भाई हमारे जो है वो कंपोज करते हैं म्यूज़िक। तो आपका नाम भाई? मनीष जी। मनीष जी, अब मतलब यहां पे कंपोज करते हैं म्यूज़िक, बाकी ये जो है जो पीसी वगैरह है और बाकी स्टूडियो रूम जो है देखो वहाँ पर है। तो मैं छोटा सा टूर दे देता हूँ भाई। सो वहाँ देखो एक रखा हुआ है मिडी और बाकी जो कंपोज़र अपने मतलब कट साउंड के लिए बोलते हैं फिलहाल ये है और बाकी ये पीसी वगैरह रखा हुआ है। और अभी अंदर चलते हैं स्टूडियो के और बाकी भाई साहब ये रहा स्टूडियो, मतलब नॉइस एकदम कट हो गई भाई। बाकी लिरिक्स के लिए ये चीज़ मतलब है तो यहाँ पे लिरिक्स रखा जाता है। बाकी ये रहा पॉप फिल्टर और माइक और इसका हेडफोन। सो फिलहाल मैं अभी आया हूँ अपना सॉन्ग का डेमो भी देने के लिए। और भाई अभी देखो अभी सॉन्ग मेरा कितने दिन में आता है, तो भाई जैसा कुछ होगा बताएंगे आप लोग को। चलो आ जाओ। तो भाई अगर मैं अपने सॉन्ग का डमी अभी देता हूँ तो कितने दिन में म्यूज़िक बन जाएगा मेरा? दो दिन। चलो भाई साहब, 2 दिन बोले हैं भाई, अब देखो कितना टाइम लगता है। क्योंकि एक भाई थे वो बोले थे कि 2 दिन और 15 से 20 दिन हो गया अभी तक म्यूज़िक बना नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा शंका हो रहा था बस। चलो फिलहाल डमी वगैरह देते हैं और फिर देखते हैं। चलिए सही है, थोड़ा सा भी रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखाएंगे भी आवाज़ क्वालिटी कैसी है यहाँ की। ठीक है भैया। तो भाई साहब अभी हमने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया है तो भाई अभी उसका थोड़ा सा मिक्सिंग मास्टरिंग करेंगे। तो मतलब मैं आवाज़ टेस्ट कर रहा था अपना जो, तो फिलहाल अभी आवाज़ भनक रही है भाई। तभी जब ओरिजिनल रिकॉर्डिंग होगी तो अच्छे से प्रिपरेशन करके आएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं टेस्टिंग करा रहा हूँ अपनी आवाज़ की। चलो देखते अभी। सो भाई साहब यहाँ देखो ये हारमोनियम रखा हुआ है, फिलहाल हमने स्केल वगैरह भी दे दिया अपना और भाई साहब बोल रहे हैं बस 2 दिन लगेगा और सॉन्ग का जो म्यूज़िक है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल अभी देखते हैं क्या सीन होता है कि नहीं। हाँ भैया बताइएगा जैसा कुछ होगा फिर। जी जी, मैं आपके पास कॉल करते रहेंगे और
भाई साहब जैसा कुछ होता है अपडेट आप लोग को भी देते रहेंगे। तो फिलहाल अब निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए, तो चलो अब निकलते हैं भाई। तो भाई साहब अभी हम फिलहाल आ चुके हैं घर पे और अभी शाम के बज रहे हैं भाई साहब 4, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लग गया भाई साहब वहाँ से आने में। और बता दूँ भाई मेरे घर से स्टूडियो की जो मतलब दूरी है वो आई थिंक 40 से 45 किलोमीटर है। तो इधर से तो मैं फिलहाल बाइक से गया था, तो वो भाई साहब अपने ड्यूटी पे जाते हैं तो वो शाम को आएंगे, तो इसीलिए मुझे फर्स्ट से आना पड़ा। तो मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया भाई। अभी 10-15 मिनट पहले मैं पहुँचा हूँ भाई साहब घर पे, थोड़ा सा रेस्ट किया हूँ, ब्लॉग फिर से जो कंटिन्यू कर रहा हूँ फिर। और तो सुबह से क्या कर रहा है? सुबह से एक ही काम में लगा हुआ है भाई। सुबह से देखो, सुबह में आप लोगों ने देखा होगा तो फिलहाल यही कर रहा था वो, मतलब ये घर वर बना रहा था। और अभी देख रहा हूँ फिलहाल 4 बजे फिर भी यही काम कर रहा है। और कोई दूसरा काम नहीं है तुझे? नहीं। बोल रहा है नहीं। मच्छी पकड़ के लाया है? कहाँ है मच्छी? अच्छा। और भाई साहब यहाँ देखो खाना वाना खाने के बाद डबल बेड पे सब लोग सो रहे हैं फिलहाल। वहाँ देखो छोटी अम्मा फिलहाल वहाँ पे हैं, ये भाई साहब यहाँ पे हैं और ये बहन जी यहाँ पे हैं। एक गाय है भाई, एक कहाँ गई? अच्छा अरे वाह, छोटू फिलहाल यहाँ पे आज सोया है, अपने अब्बा के पास सोएगा भाई। और बाकी ये 4 लोग यहाँ पे। खाना ना हो गया सबका? आज मच्छी उच्छी पकड़ के लेके आया था भाई साहब ये। अच्छा तेल वेल लेके उसका बताओ, मालिश होने जा रहा है। वाह वाह शेर, नहीं सही है सही है, मच्छी खिला रहा है, कम से कम इतना तो बनता है ना। तो भाई साहब फिलहाल अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और खाने में सब्जी रोटी चावल फिलहाल मैं और अम्मा सब लोग फिलहाल पूरी फैमिली खाना खाने के लिए जा रहे हैं। चलो खाना खाते हैं। ये कहाँ से मछली? अच्छा वाह, आज कल्लू महाराज पकड़ के लेके आए थे इसको ना, मछली को। हाँ चलो कम से कम इसी बहाने खाने को मिल जा रहा है। आज बेचारे की मालिश वालिश हो रही है कल्लू की। अरे मछली उछली पकड़ के लेके आया है तो इतना मेहरबानी करना पड़ेगा ना। सुबह से हमने बिस्तर तो फिलहाल अपना लगा लिया है, और आज एक्चुअली ये सबकी धुलाई हुई है, इसके ऊपर का क्या बोलते हैं इसको, खोल जो है इसके ऊपर का खोल को, इसको इसकी धुलाई उलाई हुई है। तो बाकी देखो वही सब चढ़ाया उढ़ाया जा रहा है। सो बाय द वे चलो इस ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं भाई। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।